बच्चों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न संख्या 3। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। हमें ये एक वर्ग दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि क्या ये जादुई वर्ग है। बच्चों जादुई वर्ग में हर एक पंक्ति, हर एक स्तंभ और उसका जो तिरछा विकर्ण है उन सब का योगफल हमेशा समान होता है। तो हम इस प्रश्न में सबसे पहले प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग करेंगे। अगर योगफल समान आता है तो हम कहेंगे हाँ यह एक जादुई वर्ग है। देखिए यह आपका जादुई वर्ग है और हमें हिंट भी दिया हुआ है कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश यानी इनका ऐसे योग करना है। बच्चों ये भिन्न संबंधी प्रश्नावली है इसलिए वर्ग में जो संख्याएं हैं वो भिन्न में है। प्रथम पंक्ति का योग, जैसे आपकी ये पहली पंक्ति है 4/11, 9/11 और 2/11, इनका जोड़ करेंगे हम। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि अगर हर समान हो तो अंश की संख्याओं को जोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए इनमें सभी में हर समान है तो अंश की संख्याएं जुड़ जाएगी जिससे इनका योगफल अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 4 + 9 + 2 15/11। अब दूसरी पंक्ति का, इसका 3/11, 5/11 और 7/11। हर समान है इसलिए 11 और अंश अंश की संख्याओं का योग कर दें। 3 + 5 + 7, 3, 5, 8, 7, 15/11। तीसरी पंक्ति, इनका मान 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। हर समान है इसलिए हर में 11 और अंश को योग करके जो चिन्ह है वो चिन्ह आप लगा दें, योगफल हो गया 8 × 1 = 9, 6 = 15/11। प्रथम स्तंभ का मान, बच्चों ये है प्रथम स्तंभ, ठीक है। क्या है? 4/11, 3/11 और 8/11। चूंकि इनके हर समान है इसलिए अपन यहाँ 11 लिखेंगे और अंश की संख्याओं का योग कर देंगे। तो 4 + 3 + 8, 8 × 3 = 11, 4 = 15/11। तो हम देख रहे हैं कि तीनों पंक्तियों और प्रथम स्तंभ इन सब का मान 15/11 अभी तक तो समान आया है। अब आगे के भी मान देखते हैं। द्वितीय स्तंभ का योग, इसका मान 9/11, 5/11 और 1/11 बराबर 11 हर में और इनका योग कर देंगे। 9 + 5 + 1, 9, 5, 14, 1, 15/11। तीसरे स्तंभ का योग, यह है आपका तीसरा स्तंभ, इसका योग करेंगे 2/11, 7/11 और 6/11 का। 2/11, 7/11 और 6/11, 11 हर समान है अंश का योग कर देंगे। 6, 7, 13, 2, 15/11। प्रथम विकर्ण का योग, प्रथम विकर्ण आप इसे ले लें, ये बच्चों है ना, कौन कौन सी संख्याएं होगी यहां से शुरू करें। 8/11, 5/11 प्लस 2/11 हर समान है 11, अंश की संख्याओं का योग कर देंगे। 8 + 5 + 2, 8, 5, 13, 2, 15/11। ठीक है, अभी तक प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ और प्रथम विकर्ण इन सब का मान 15/11 आया है। दूसरे विकर्ण का मान
दूसरा विकर्ण आपका ये है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, हर समान है इसलिए 11/11 और अंश की संख्याएं जुड़ जाएगी 4 + 5 + 6, 9 × 6 = 15/11। आप देखिए प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण और प्रत्येक पंक्ति, जैसे अपन देखा था हर एक का मान 15/11 15/11 आ रहा है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये एक जादुई वर्ग है। अगला प्रश्न, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 × 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 × 2/3 सेंटीमीटर है, कागज का परिमाप ज्ञात करिए। बच्चों कागज का आकार आयताकार है इसलिए आयत के परिमाप का सूत्र का याद रहना आवश्यक है। आयत के परिमाप का सूत्र तो अपन लिखेंगे आयताकार कागज का परिमाप दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आप देखिए ये कागज इस प्रकार है जिसकी लंबाई है 12 × 1/2 और इसकी चौड़ाई है यानी ये वाली 10 × 2/3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप यानी इसके चारों ओर की माप कितनी है, परि यानी चारों ओर, माप यानी मान, चारों ओर का मान कितना है इसका, तो इसके लिए आयताकार कागज का यानी आयताकार कोई भी आकृति है उसके परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो हम परिमाप आसानी से बता सकते हैं। लंबाई चौड़ाई का मान रखने पर परिमाप क्या आएगा आपका, 2 × लंबाई 12 × 1/2 प्लस चौड़ाई है 10 × 2/3। मिश्र बिन के रूप में मान है तो आप इसे सरल करें, 2 × ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, 12 × 2 = 24 और 1 = 25/2 प्लस ये है आपका 10 × 30 और 2 = 32/3। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका लेसअप लेंगे, 2 और 3 का लेसअप 6, ब्रैकेट लेसअप आया 6, अंश की संख्या है जैसे कि जैसे 25 × 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार तो ये 3, ये बीच में आपके प्लस का चिन्ह एज इट इज, 32 अंश की संख्या है जैसे कि जैसे 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, आप इनको सरल कर सकते हैं। आगे 2 का भाग अपन 6 में यहाँ दे देते हैं जिससे ये काम तो यहीं हो जाएगा, हर का मान आ जाएगा 3 क्योंकि गुणा में है ना, गुणा और भाग में है, तो जो संख्या सरल हो सकती है आप उनको पहले ही कर लें जिससे कि कैलकुलेशन सरल हो जाएगी आपकी। 25 × 3 यानी 75 प्लस 32 × 64 और हर में है आपके 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 139 ठीक है अपॉन 3 139/3 को मिश्र बिन में बदलने के लिए 139 में 3 का भाग देंगे, 4 × 3 = 12 बचा 1, 19 × 6 = 18 बचा 1 तो अपन लिखेंगे 46 × 1/3 46 × 1/3 नाप सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर। तो आयताकार कागज का परिमाप कितना हुआ बच्चों, 46 × 1/3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में त्रिभुज ABE का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप बताना है, परिमाप यानी चारों ओर का माप, तीनों भुजाओं का जो लंबाई है उनका योग करके हमें बताना है। बच्चों आपका त्रिभुज है ABE यानी ये है AB और E ठीक है, तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं इनका अपन योग कर देंगे, तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है तो अपन लिखेंगे त्रिभुज
ए बी ई का परिमाप बराबर ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, ठीक है। ए बी का मान 5/2, बी ई का मान 2 से ही 3/4, ए ई का मान 3 से ही 3/5, 3 से ही 3/5। आप इसमें देख रहे हैं कि दो मिश्र भिन्न के रूप में हैं, तो पहला काम है कि उनको सरल भिन्न में बदलें। 5/2 है जैसे कि जैसे, 4 × 8 और 3 11/4 प्लस 5 × 3 15 और 3 18/5। अब बच्चों आप देखिए इन तीनों भिन्नों के हर की संख्याएं कितनी है, 2, 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, 2, 4 और 5 का लेसअप ज्ञात करेंगे। 2, 4 और 5, 2 का भाग 1 बार, इसमें 2 बार, 5 में जाता नहीं, इसलिए है जैसे कि जैसे। फिर 2 का भाग 5 में जाता नहीं, फिर 5 का भाग जाएगा तो 1, 1, 1 आ जाएंगे। 5 × 10, 10 × 20, तो लेस अप कितना आया, 2 × 2 × 5 यानी 20। लेस अप है आपका 20, लेस अप है आपका 20। बच्चों आपका लेस अप है इसमें 20। अंश है जैसे कि जैसे, हर का भाग लेस अप में, 2 का भाग 20 में 10 बार, ये प्लस का चिन्ह एज इट इज, अंश की संख्या है जैसे कि जैसे, गुणा हर की संख्या 4 का भाग 20 में 5 बार, प्लस का चिन्ह है जैसे कि जैसे, 18 अंश की संख्या है जैसे कि जैसे, गुणा हर की संख्या का लेस अप में भाग, 5 का भाग 20 में 4 बार। आप सरल करें इनको, 10 × 5 = 50, 11 × 5 = 55, 18 × 4 = 72 अपॉन 20 यानी 20। ऊपर ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे, 105, 177, ये हो गया आपके 177/20, ठीक है। ये है त्रिभुज ABE का परिमाप, आप इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। बच्चों 177 में जब 20 का भाग दोगे आप, तो 8 बार तो पूरा पूरा जाएगा और 17 शेष रहेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो 8 से ही 17/20, और इसका यूनिट भी सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। त्रिभुज ABE का परिमाप 8 से ही 17/20 सेंटीमीटर है। इसी का ही दूसरा भाग, आयत BCDE का परिमाप ज्ञात करिए। आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, हमें इसका परिमाप बताना है, तो अपन लिखें आयत BCDE का परिमाप। परिमाप से तो आप भलीभांति परिचित हो गए, अब परिमाप यानी चारों ओर का माप। तो आयत के लिए परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां BCDE आयत के लिए 2 × लंबाई हो गई आप इसकी CD, प्लस चौड़ाई ये है D, मान रख दीजिए 2 × ब्रैकेट में CD, यही तो है जो लंबाई है। भाई हमें पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो CD और BE बराबर है, CD और BE बराबर है, और BE का मान कितना है, 2 से ही 3/4, तो CD की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 से ही 3/4, और इसकी जो चौड़ाई है BC बराबर D,
बराबर 7/6। आमने सामने की लंबाई समान होती है आयत में। सीडी की जगह 2 से 3/4, बीच में प्लस का चिन्ह, डी का मान 7/6, 2 गुणा सरल करें, 4 × 8 = 11/4 प्लस 7/6, 2 गुणा कोष्टक में ही 4 और 6 का लेस अप लेना है, अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत करनी है। अगर भाग जाता है तो ठीक, तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग फिर एक बार और 3 में नहीं जाता, तो फिर 3 का भाग 1, 1, तो लेस अप के रूप में क्या आया मान। इधर की जो संख्याएं आती है जिनका आपने अभाज्य संख्याओं का भाग दिया है उनका आप गुणनफल के रूप में, जो उनका गुणा जो मान आता है गुणा करने से, वही आपका लेस अप है 12। यहां मान रख दूंगा 12। अब आप देखिए अंश की संख्या है जैसे कि जैसे यहां से, गुणा हर की संख्या यानी 4 का 12 में भाग 3 बार, बीच में प्लस का चिन्ह, अंश की संख्या है जैसे कि जैसे, गुणा 6 का भाग 12 में 2 बार, सरल करने पर 2 × 11/33 प्लस 7 × 14/12। ठीक है, 11 × 33 प्लस 7 × 14, 2 का भाग 12 में, भाई ये बट अंश में और ये हर में है तो ये कट जाएंगे, नीचे है 6। 33 और 14 इनको जोड़ने पर हो गए 47/6। 47 में 6 का भाग देना है बच्चों, सात बार पूरा पूरा भाग और 5 शेष रहेंगे, तो हम इनको मिश्र बिन के रूप में बताएंगे, तो 7 से ही 5/6, और इसका नाप भी सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर। बच्चों आयत का परिमाप कितना है, 7 से ही 5/6। इसमें एक तीसरा प्रश्न और है, किसका परिमाप ज्यादा है, त्रिभुज और आयत इन दोनों में से किसका परिमाप ज्यादा है। तो अभी आपने बताया आयत का परिमाप है 7 से ही 5/6 और त्रिभुज का परिमाप 8 से ही 17/20, उसका 7 से ही और इसका 8 से ही, यानी 8 से ज्यादा है, तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। आज के वीडियो में इतना ही, घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।